तो वहीं आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जिसको लेकर आज बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें जयपुर स्थित सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राजभवन से राज्यपाल कलराज मिश्र भी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने सभी को शपथ दिलाई। इस दौरान नव मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र दिए गए और पोस्टर का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम को वीसी के जरिए भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव सुधार के लिए संशोधन किया गया है। अब साल में 4 बार मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करवाया जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी में चुनाव आयोजित कर मिसाल पेश की गई है। आयोग ने 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टर बैलेट की सुविधा दी है। आयोग ने नो योर कैंडिडेट ऐप जारी किया है। चुनाव वाले राज्यों में टीकाकरण पर जोर दिया गया और इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा, सीएस निरंजन आर्य सहित सभी जिला कलेक्टर भी जुड़े। मतदान केंद्र पर आपकी उपस्थिति लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ ही देश को गौरवान्वित भी करती है। मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उन्हें देश के प्रत्येक नागरिक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। राज्यपाल महोदय के साथ ही और मेरे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए। देखिए, 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि हर साल पिछले 12 साल से ये मनाया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य है, हर बार अलग अलग इसके उद्देश्य रखे जाते हैं। खासकर एक थीम बेस्ड ये कार्यक्रम होता है। इस बार जो थीम रखी गई थी वो चुनावों को समावेशी, सुगम व सहभागी बनाने को लेकर इसमें ये पूरी थीम थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जो प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र है उन्होंने की है। साथ ही इस कार्यक्रम में जो समारोह हुआ उसमें जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी, स्टूडेंट और अन्य जो संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उनका सम्मान इसमें किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, उनका भी संदेश प्रसारित किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आज देश में 95 करोड़ से ज्यादा मतदाता है और यही लोकतंत्र की खूबी है, जहाँ जनता अपने वोट का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, चाहे एक छोटा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तमाम एक सबसे बड़ी ये लोकतंत्र की खूबी है। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि किस तरह से 80 साल से जो बड़े हैं उनको बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने का अधिकार दिया गया है, घर बैठे दिया जा सकता है। इसके अलावा नो योर कैंडिडेट, यानी अगर आप जिस अपने कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं जो आपका जनप्रतिनिधि बनने वाला है, उसके बारे में नो योर कैंडिडेट जो ऐप है उसके माध्यम से उसका पूरा आप क्रिमिनल रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं। और अब पहले जो होता था कि साल में केवल एक बार ही नाम पंजीकृत होता था, लेकिन अब साल में 4 बार कैंप लगाए जाते हैं। कई इसमें सहूलियतें हैं जो कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दी जा रही है और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।